दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ फिरोज, वेलकम टू फिरोज इलेक्ट्रिकल। ये कमी जो आपको दिखा रहा हूँ मिक्सर के अंडर में, ये कमी बहुत ज्यादा आती है। कमी क्या, देखिए यहाँ से ये कपलर कट जाता है इतना सा, और यहाँ से ये मिक्सर का कपलर कट जाता है इतना सा। आपको दिख रहा होगा ये इतना कपलर या मिक्सर का कटा हुआ है, और इतना इसका जार का कटा हुआ है। मतलब ये कमी बहुत ज्यादा आती है मिक्सर ग्राइंडर में। तो इसका क्या रीजन है हम आपको बताएंगे, और इसे कैसे रिपेयर करेंगे आपको ये भी बताएंगे कि ये जो कपलर कट जाता है इसका क्या कमी होती है इसके अंदर, जो कि ये कपलर कटता है। डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे और कैसे चेंज करेंगे, कितने रुपए लेंगे ये बताएंगे। देखिए इस चीज में सबसे पहले आपको कमी पकड़ना होता है। अभी आप डायरेक्ट कपलर बदल लोगे ना, दोबारा से कट जाएगा, तो आपको कमी देखना होता है। कमी क्या, मैं आपको बताता हूँ, एकदम सही बताऊंगा। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए ये जार पहले तो हल्का सा जाम है, चलिए उससे कोई बात नहीं, मैं खोल लेता हूं इसकी कपलिंग को। सबसे पहले खोल लेता हूं मैं, ये देखिए हमने कपलर को खोल दिया। इसके पता है इसमें कमी क्या थी, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूं। जैसे कि ये दो कपलर मैं आपको दिखा रहा हूं, माना ये मिक्सर का कपलर है और ये जार का कपलर है। अगर ये जब बैठता है आपस में, अगर ये ऐसे बैठेगा इतने पे, देखो मैं सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अगर ये इतने पे बैठ के चलेगा तब तो सही चलेगा, लेकिन अगर ये इतने पे चलता है, इतने पे इस तरीके से आपस में टकरा रहे, ऊपर ऊपर चल रहे, तो ये किनारी दोनों की कट जाती है। अगर बैठ के चलना है तब सही चलेगा। इसमें यही कमी थी, इसका कपलर और इसका कपलर ना ये इस तरीके से बैठते नहीं थे मिक्सर में, इस तरीके से आपस में इस तरीके से, और इतने पे चलते थे, तो इसीलिए दोनों कपलर कट गए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी शाफ्ट तो लॉन्ग साइज की लगी हुई, आप देख ही सकते हो कितनी लंबी शाफ्ट लगी हुई है, और आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो इतनी बाहर निकली है शाफ्ट। लेकिन इसके ऊपर भी एक वार्सल लगा था, सबसे पहले तो हमें वार्सल, जो अगर ये ऊपर वार्सल लगे हुए थे, ये देखिए दो वार्सल, ये वार्सल को आपको हटा देना है सबसे पहले। जो ऊपर की साइड में जितने भी वार्सल है वो वार्सल आप हटा दो, हमने वो वार्सल हटा दिया। अब ये शाफ्ट ना यहां से लंबी, मतलब थोड़ी सी ये कपलिंग और ऊपर आ गई, थोड़ी सी कपलिंग ये और ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में आपको इसमें ऑयलिंग करनी है, कितना चार्ज लेंगे ये भी बताएंगे दोस्तों। और एक चीज और देखिए, ऑयलिंग कर दी है जितनी, एकदम फर्स्ट क्लास, ऊपर से सारे वार्सल हटा दिए, और जितने वार्सल है मैं नीचे के साइड में डालूंगा, ना कि ऊपर के साइड में। ये देखिए जितने वार्सल है आपको सारे के सारे ऊपर के साइड में ही लगाने, नीचे नहीं लगाना कोई सा भी वार्सल। अंदर कौन सी कपलिंग लगी पहले तो इसे निकाल के देखते, पुश कपलिंग है या फिर थ्रेड वाली कपलिंग है, अभी ये पता नहीं है। तो इसे कपलिंग खोलने का तरीका देखिए इस तरीके से, पहले आप एक दो बार उठा के देख लो, अगर पुश वाली होगी तो आसानी से उठ जाएगी, ये उठ नहीं रही। देखो मैं ऐसे उठा रहा हूँ, दो साइड से पेचकस लगा के भी उठा के देख लो, कभी ये पुश वाली हो और ऐसे ना उठ रही हो, ऐसे उठ जाए इस तरीके से, नहीं उठ रही है दोस्तों, पुश वाली नहीं थ्रेड वाली थी। वाली कपलिंग खोलने का तरीका देखिए, मैंने कई वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको रखना है और यहां से प्लास से चोट मारनी है इस तरीके से। ये जो है ये क्लॉकवाइज खुलेगी कपलिंग, एंटी क्लॉकवाइज टाइट होती है, तरीका देखना दोस्तों। ये देखो मैं कई बार चोट मार रहा हूं, मैंने मार दी, लेकिन कपलिंग ये खुलने को तैयार ही नहीं है दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी जो तली है मिक्सर की, फटाफट इसकी तली को खोल लेते हैं हम। सारे पेच खोल दिए, और ये रही इसकी मोटर दोस्तों, एक कपलिंग लेकिन खुलने को तैयार नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ये तरीका देखिए कितना लाजवाब है। देखिए आपको सबसे पहले ये वाला जो नट है इसे लूज करना है यहां से, ये देखो हमने नट को लूज कर दिया। अब आपको ये जो ऊपर का नट है इसे ऐसे करना, एक बार पहले ऐसे ट्राई करो, इसको टाइट कर दो। अभी इसके अंदर का मैंने पॉइंट निकाला नहीं है, एक बार ऐसी कोशिश करते हैं, नहीं खुलती है तो पॉइंट निकाल के खोलेंगे। हमने इसे फुल टाइट कर दिया है, अब आइए एक बार पहले खोल के देख लेते हैं इसे, तली को सही से बिठाना है खोलते टाइम। देखो हमारी कपलिंग जो है ये जाम हो गई काफी हद तक, अब हम इसे खोल के देखेंगे। प्लास से चोट मारना तब ज्यादा बेहतर चोट लगती है, हथौड़ी से बेहतर। ये देखो कितना आसान तरीका था ना कपलर खोलने का, बहुत ही लाजवाब तरीका है दोस्तों ये। फटाफट इसको मैं पैक कर देता हूँ, वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। दोबारा से इस नट को वैसे ही लूज कर देना है जैसे था पहले से, कि नट को जो ऊपर ये नट लगा था इसे यहां पर दोबारा से टाइट कर देता हूं, और इसको हमने यहां पर टाइट कर दिया। अब वैसे इसका नट भी लूज था, उसकी वजह से भी नीचे थी कपलिंग इसकी, तो या फिर हम थ्रेड वाली ऐसी कपलिंग लगाएंगे जो थोड़ी सी तली से उठी हुई हो, ये लगा देंगे
तब तो भैया बहुत ज्यादा उठ जाएगी। ये शाफ्ट नीचे की तरफ पुश थी, थोड़ा हमने नट जब टाइट करा नीचे तो थोड़ी ऊपर भी आ गई। अब हम इसके अंदर चार पर की जो हैवी कपलिंग होती है वो कपलिंग इसके अंदर लगाएंगे। दोस्तों जब हमने तली से नट को टाइट करा था तो थोड़ी सी ये शाफ्ट नीचे थी, नट लूज था, थोड़ी सी ऊपर आ गई है। तो हमें अब ज्यादा ये शाफ्ट को लंबी करने की जरूरत नहीं है कि और लंबी करो, यहाँ पर उठी हुई कपलिंग लगाओ। हम यहाँ पर नॉर्मल चार पर की सबसे पहले कपलिंग लगा देते हैं, हैवी वाली कपलिंग लगा रहे दोस्तों, जार में भी हैवी वाली और मिक्सर में। अभी इसका चार्ज भी मैं आपको बताता हूँ हम कस्टमर से कितने रुपए का चार्ज लेंगे। सबसे पहले इसको टाइट कर देता हूं मैं, इसको हमने टाइट कर दिया है। हमारा जार जो है ये फर्स्ट क्लास तरीके से रिपेयर हो चुका है, जितने वार्सल की जरूरत हो अपने हिसाब से वार्सल लगा देना आप। जो ये मिक्सर है इसके अंदर भी हम चार पर की हैवी कपलिंग, इसमें मिक्सर में ना हमेशा हैवी कपलिंग ही लगाना दोस्तों, ताकि जल्दी कपलिंग खराब ना हो आपके। और आपको इस तरीके से नॉर्मल दो तीन बार ही चोट मार के टाइट करना है बस, देखिए। और इसके तली को आपको पैक कर देना। मैं आपको बताऊं चार्ज कितना लेंगे हम कस्टमर से इस मिक्सर को रिपेयर करने का, हम कस्टमर से लेंगे 80 रुपए चार्ज, क्योंकि हम इसमें सर्विस चार्ज और कपलिंग दोनों का इंक्लूड है। और इसे रिपेयर करने का हम लेंगे 30 रुपए, मतलब टोटल कस्टमर से लेंगे हम 110 से 120 रुपए ले लेंगे कस्टमर से, एकदम रिजनेबल प्राइस है कम से कम वाले। आप बताएं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूं ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।